नेहरू युवा केंद्र द्वारा 1 से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया गया। स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक ईरा प्रभात ने किया। मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र द्वारा पैलेस कॉलोनी स्थित ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक ईरा प्रभात ने किया। इस मौके पर ईरा प्रभात ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े को हर ब्लॉक, जिला व गांव में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े में स्कूल व कॉलेज के वॉलंटियर्स भी अपना सहयोग देंगे, साथ ही महिला मंडलों व अन्य मंडलों का भी इसमें सहयोग रहेगा। समन्वयक ने बताया कि युवाओं को जागृत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। नेहरू युवा केंद्र मंडी द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान का शुभारंभ आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू हुआ। नेहरू युवा केंद्र का ये एक कार्यक्रम, जो चाहे वो गांव है, ब्लॉक है या जिला है, हर स्तर पर इस कार्यक्रम को हम एक मुहिम के तौर पर कार्यक्रम करेंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थल है या हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उन पर स्वच्छता का कार्यक्रम हमारे वॉलंटियर्स द्वारा, हम आम पब्लिक के साथ मिलकर के, स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थियों के साथ मिलकर के हम इस कार्यक्रम को एक आंदोलन के रूप में करने जा रहे हैं, जिसमें पंचायतें और एनजीओस, युवा मंडल, विशेषकर महिला मंडल और युवा मंडलों का हमें भरपूर समर्थन मिलने की उम्मीद है। और इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण स्तर पर करता आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये कार्यक्रम को 5 साल तक पूरा करने का टारगेट रखा है, उसमें हम युवाओं की पूर्णतः भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश। इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को शपथ दिलाने के साथ ही स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान विद्यार्थियों ने भी स्वच्छता को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, केशनर।